दर्शकों नमस्कार, आज रूबरू प्रोग्राम में हमारे न्यूज रूम में मौजूद है आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था जो नागपुर की संस्था है उसकी ज्योति द्विवेदी जो संस्थापक और अध्यक्ष है इस संस्था की। उनकी संस्था किन किन क्षेत्रों में काम करती है आज हम उनसे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि संस्था के आने वाले आगामी वर्षों में क्या क्या उनके कामों के संकल्प उन्होंने किए हैं और वो किस तरीके से उन कामों को पूर्ण कर रही है। सबसे पहले तो ज्योति जी आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपकी संस्था किन किन क्षेत्रों में काम कर चुकी है? आपकी मैं आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुला के मुझे दो शब्दों का मौका दिया है। मेरी संस्था 2009 से स्थापना हुई, आज 10 साल हो गए हैं और काफी सालों से सामाजिक कार्य संस्था मेरी कर रही है, आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था। हमारी संस्था एजुकेशन पर भी ध्यान देती है, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन बच्चों को हम लोग निःशुल्क एजुकेशन भी देते हैं। जरूरत पड़ने पे जो गरीब महिलाएं हैं, जगह जगह हमने देखा है कि नागपुर शहर में ऐसी कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं जो बगैर कपड़े के वस्त्र उनके पास नहीं होते हैं, तो हमारी संस्था सब मिल करके हम लोग वस्त्र का भी योगदान देते हैं, एजुकेशन का योगदान देते हैं, कपड़ों का, अनाज का, जितनी भी सेवा होती है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम समाज के नागपुर के जितने भी नागरिक गरीब वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग मदद कर सके। हमने सुना है कि आप कल नागपुर महापौर से आपके संस्था के पदाधिकारियों के साथ मिली थी, तो वो क्या संदर्भ था आपका? जी हमें हाल में ही पता चला कि मोदी जी एनएमसी की ओर से काफी जागरूक किया जा रहा है कि पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, तो हमारी संस्था ने सोचा कि हम लोग हमेशा पेड़ लगाते तो है लेकिन एनएमसी के द्वारा नहीं लगाते, हम लोग अपने स्वयं जेब से खर्चा करते हैं और पौधों को पेड़ों को लगाते हैं, घर घर में, कॉलोनी में, ऐसे कई स्थान है जहाँ हम लोगों ने पेड़ अब तक लगा चुके हैं। कल हम लोग महापौर के पास गए, हमारी पूरी टीम गई और हम लोग मिल करके वहाँ चर्चा की है कि आप हमारे लिए क्या सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्था की काफ़ी टीम जो है वो ये चाहती है कि नागपुर शहर में जितने भी कारखाना है, इंडस्ट्री है, ऐसे कई हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है जहाँ पेड़ पौधों का अभाव आज भी है। आप बहुत जगह जाकर देखिए वहाँ पर पेड़ नहीं लगे हुए हैं। हम लोगों ने सोचा है मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, अगर महापौर हम लोग को मदद करेगी तो हम लोग इसी संदर्भ में गए। महापौर ने हमें समर्थन भी दिया, सहयोग भी करने के लिए कहा है और हम लोग उस जगह जगह हर जगह पे हम लोग पेड़ लगाने का संकल्प लिए हैं, पेड़ बचाने का भी संकल्प लिए हैं। कोई भी चीज़ कोई नष्ट करेगा तो हमारी संस्था एनएमसी की ओर से उसे रोक लगाने की पूरी दावा कर सकती है और करती भी है। जैसा कि आज भी आपकी जो आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था नागपुर है, उन्होंने शायद कोई भगोली गांव में कौन सा कार्यक्रम रखा हुआ था, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी आज जब हम लोग सुबह देख रहे थे काफी बारिश हो रही थी, कई दिनों से बारिश हो रही है, बॉम्बे में लगातार बारिश हो रही है, नागपुर में बारिश शुरू है, तो ऐसे कई हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास तन के कपड़े नहीं होते हैं, तो आज हमारी संस्था मिल करके, एक नारी संस्था भी है, हम दोनों मिल करके वैसा गोगली एक गाँव है वहाँ हम लोग गए, गर्म कपड़े, शॉल, स्वेटर, कपड़े जितने भी प्रकार के थे हम सब मिल करके वहाँ पे हम लोगों ने मदद किया। ऐसे ही हमारे रूबरू प्रोग्राम में हम आपको, हमारे दर्शकों को कई संस्थाओं के जो अध्यक्ष और संचालक हैं उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दर्शकों धन्यवाद।